हम मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन हमको ये महसूस नहीं होता है कि हम मंत्री हैं। हमको फोन आया कि आप जो है से 10 नंबर आइए। टिकट के लिए तेजस्वी जी फोन किए थे आपको? नहीं, अंदर से फोन आया था कि आप 10 नंबर आ जाइए। और जब हम गए वहाँ 10 नंबर में, तो क्या कहते हैं, तेजस्वी जी हमको सिम बोल दिया। पहली बार विधायक बने, उसके बाद मिनिस्टर भी बन गए, ये कहानी कहाँ से हुआ? लालू प्रसाद यादव जी जो गरीबों के मसीहा, उन्होंने हमसे बात किया फोन पर। अच्छा। और कुछ बातें बोले। लालू जी फोन किए थे? जी, हम साइकिल से जाते थे शहर में, रिक्शा वाले को कोई तंग कर रहा है, चाहे कोई अगर पीट दिया तो हम उसे उलझ जाते थे कि गरीब है तो इसको क्यों मार रहे हो। 2001 में आप मुखिया का चुनाव लड़े? हाँ, 2001 में हम चुनाव लड़े, और उस समय तो जो है सो हम मिस कर गया, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है इस देश को, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है, ये हमको बनने से साबित हुआ। और हम एकमात्र पसमानदा मंत्री है बिहार में। चले उड़ जा रे पंछी की अबे देश हुआ बेगाना। हमारे चैनल पर एक सीरीज चालू हुआ है जिसमें हम आपको दिखला रहे हैं कि किस विधायक ने कितना संघर्ष किया और विधानसभा तक पहुंच गए। लेकिन आज जिनके बारे में हम दिखलाएंगे, वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। इसराइल मंसूरी साहब आईटी मिनिस्टर हैं। इनका जो कहानी है, जो संघर्ष है, बहुत ही दिलचस्प है। आप जब सुनेंगे कि कहाँ से उठे और कहाँ पहुँचे, वही चीज़ जानेंगे। अभी इनके आवास पर हैं, मंत्री साहब यहाँ पर हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये मुखिया बने, और पहली बार मुखिया बने, उसके बाद पहली बार विधायक, और पहली बार में ही मंत्री बन गए थे। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कहाँ से कहानी शुरुआत हुई, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए, और फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और कैसे कैसे मिनिस्टर बन गए, इन्हीं से बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका आज। जी, धन्यवाद। हम आज ये जानने आए हैं आपसे कि कहाँ से कहानी शुरू हुई थी आपकी, मिनिस्टर बन गए, विधायक बने। सबसे पहले आप अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय दे दीजिए, छोटा सा। देखिए, सबसे पहले तो हम 9th में पढ़ रहे थे जी। उसी समय से जो है हमको कहे न कहे एक अंदर से जज्बा हुआ, और गरीब गुरुबा को कोई भी सताता था। हम साइकिल से जाते थे शहर में, और कोई रिक्शा वाला को अगर, कई बार ऐसा भी हुआ है कि रिक्शा वाले को कोई तंग कर रहा है, चाहे कोई अगर पीट दिया तो हम उसे उलझ जाते थे कि गरीब है तो इसको क्यों मार रहे हो। कमजोर के लिए खड़े रहते? हाँ, तो कमजोर तबके के लिए हमारा हमेशा जो है सो आवाज़ बुलंद करने का हमारा एक नेचर था। 9th क्लास में आप थे उस समय की घटना है। और उसी तरह करते 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 लोगों को सेवा में हम लगे रहे जी। सेवा में लगे रहे कई वर्षों के बाद बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत हुआ, तो हम चूंकि जाति व्यवस्था इतना रहता है लोकल चुनाव में जी। और हमारा 150 से मैक्सिमम 200 वोट मुस्लिम का था वहाँ। तो पंचायत है सर आपका? पताही पंचायत है। तो हम विधानसभा में पताही पंचायत? नहीं, मुसहरी प्रखंड, शहरी विधानसभा क्षेत्र के। तो हम चुनाव लड़ने के इच्छा में नहीं थे, और मेरे ध्यान में भी यह बात नहीं थी। लेकिन वहाँ स्थानीय लोगों का जो है हम पर काफ़ी दबाव बना। अच्छा। और हम न चाहते हुए भी हमको नामांकन करना पड़ा। क्यों दिलचस्पी लिए कि आप चुनाव लड़िए? लोगों ने तो हमको ये कहना शुरू कर दिया कि अगर आप चुनाव नहीं लड़िएगा तो क्यों गरीब गुरुबा के लड़ाई लड़ते हैं, क्यों किसी के काम के लिए आप एकदम परेशान रहते हैं। लोगों ने कहा कि चुनाव लड़िए। हाँ, सिस्टम में आइए। हाँ, अब हम चुनाव लड़े, जनता के हमको आशीर्वाद मिला। कब लड़े थे सर चुनाव, किस सन में? 2001 में। 2001 में आप मुखिया का चुनाव लड़े? हाँ, 2001 में हम चुनाव लड़े, और उस समय तो जो है सो हम मिस कर गए कुछ कारणों से, लेकिन पुनः जो है उपचुनाव हुआ 2 साल के बाद। क्या कारण रहा उपचुनाव? तो उपचुनाव हुआ चूंकि वहाँ के स्थानीय जो मुखिया थे उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा। तो उपचुनाव में हमने जो है सो लोगों को कहा कि जो मुखिया मरे हैं उनकी पत्नी हमारे यहाँ आई थी, तो हम शहर स्वीकार कर लिए, और हम बोले कि ठीक है, उनकी पत्नी अगर एक विधवा अगर आ गई है तो मुझे लगता है कि इनको मदद करना चाहिए। तो हम चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे, उपचुनाव भी नहीं लड़ना चाहते। नहीं, तो हम लोगों को कहा कि इनको निर्विरोध हो जाने दीजिए। अच्छा। लेकिन किसी कारणवश से निर्विरोध नहीं हो पाए,
तो उनकी पत्नी, मृतक के पत्नी जो हमारे वर्तमान मुखिया थे, उन्होंने ही हमको फ़ोन करके बोला कि अब तो कई लोग नामांकन कर दिया है, इसलिए अब आपको हम काहे रोके, आप हमारे कारण से क्यों नहीं चुनाव लड़िएगा, इसलिए आप भी आप नामांकन कीजिए। प्रतिबंधित थी, वो खुद बोले कि आप आइए। हाँ, वो बोले कि जब कई लोग इधर भी, हाँ तो हम जो है सो कि पुनः जो है तो हम आनन फानन में अंतिम डेथ था उस दिन जो है सो कि हम अपना नामांकन करा लिया और जनता का आशीर्वाद हमको मिला, हम चुनाव जीत गए, मुखिया हो गए। उस समय क्या सन था सर? 2003-04 का सन था। 3-4 में आप मुखिया बन चुके थे? बन चुके थे। विधायक कब बने? विधायक तो 20 में बने। 20 में विधायक बने, तो कोई फिर ऑफर आया था या दिलचस्पी था कि हम विधायक बने तो और आगे जाए? नहीं, हम लोगों की सेवा करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे। हमारा पंचायत रिजर्व हो गया, हमारा पंचायत रिजर्व हो गया, तो हम पंचायत से पुनः मुखिया का चुनाव कि SC ST SC ST हो गया। अच्छा। तो हम चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन लोगों की सेवा में हम लगे रहे। और उसके बाद जो है सो हम पार्टी संगठन में हम काम करते रहते थे। राजद से कब जुड़े थे? हम राजद से पहले हम जुड़े थे, पहले तो हम जनता दल का युवा के पंचायत अध्यक्ष बने थे, वहाँ से शुरुआत किए थे। कब का बात है ये? 95 के बाद पंचायत अध्यक्ष हम बने थे युवा का। अच्छा। उसके बाद लोगों ने हमको जनता दल का पार्टी का पंचायत अध्यक्ष बनाया। उसके बाद प्रखंड में काम किए, महानगर में काम किए, जिला राजद में भी हमने काम किया। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के हम 2004 में प्रदेश महासचिव थे राष्ट्रीय जनता दल में। राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि जब जनता दल था तब से आप जुड़े थे? हाँ, तब से जुड़े थे। लेकिन 2004 में समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस जी चुनाव लड़ने गए थे लोकसभा का, और उस समय कृषि मंत्री थे, अभी जो हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, कृषि मंत्री हुआ करते थे। उन्हीं के सभा में, कुरहन्नी के चुनावी सभा में हम जो है सो कि जदयू ज्वाइन किए, और मंत्री साहब की उपस्थिति में। हाँ, अभी के मुख्यमंत्री जी, और जदयू ज्वाइन किए तो मुख्यमंत्री जी ने भी हमको काफी मदद किया, और एक पसमंदा समुदाय के होने के कारण, और ऐसे भी हम उच्च तबके से थे जो तबके में बहुत कम लोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में मिलते हैं, हाँ, तो मुख्यमंत्री जी ने भी हमको जो है सो संगठन में काम करने का मौका दिया। हम पहले जदयू के प्रदेश सचिव जो अभी वित्त मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी जी जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तो हमको याद है जदयू का, हाँ, हम दिल्ली से हम लौट रहे थे और सोनपुर स्टेशन पर हमारी गाड़ी रुकी हुई थी, और हम टहल रहे थे प्लेटफॉर्म पर, तो हमको एक फ़ोन आई, और फ़ोन पर हमको कहा गया कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बात करेंगे। अच्छा। और विजय चौधरी जी हमसे बात किए और हमको बोले कि आपको हम अपना साथ रखना चाहते हैं, काम करना है आपको। डायरेक्ट प्रदेश अध्यक्ष का फोन आ गया था जी, इतना प्रभाव था आपका कार्य के लेकर। और हम गए और हम मिले, हमको उस समय प्रदेश सचिव बनाए। अच्छा। और गोपालगंज जिला का संगठन प्रभारी बनाए, उसमें कई लोग होते थे। हाँ। कई लोग मिल करके होते थे, तो हमको पहले गोपालगंज जिला चुनौती वाला क्षेत्र था उस समय, बहुत चीज वहाँ होते रहता। हाँ, तो वहाँ का हमें वो मिला। उसके बाद कई जिला का हम संगठन प्रभारी रहे हैं, चाहे ऑब्जर्वर भी चुनाव का भी रहे हैं। हाँ, प्रदेश महासचिव लगातार हम बने रहे हैं जेडीयू में। उसके बाद 17 में जो है सो कि महागठबंधन टूटी, तो हम पुनः जो है सो तो हमने जो है सो रिजाइन कर दिया। क्यों रिजाइन कर दिया था सर? इसलिए कि हम लोगों के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीबों के मसीहा, उन्होंने हमसे बात किया फोन पर। अच्छा। और कुछ बातें बोले। लालू जी फोन किए थे जी, किसी माध्यम से ही सही बात हमसे किए, और हमको बोले कि तरुण जा रहा है मोतिहारी चंपारण की धरती पर, और ये यात्रा निकला था, क्या कहते हैं, अपमान जनादेश अपमान यात्रा निकाले थे तेजस्वी जी। अच्छा, जिस समय भाग गए थे बीजेपी के साथ। हाँ। उसी समय जो है सो हम अपने ऑफिस भगवानपुर में उनका जो है सो कि हम
बहुत भारी तरीके से हमने स्वागत करने का काम किया था, और कल होकर के मोतिहारी सर्किट हाउस में हम लोगों के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से हमारी मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा गुंची कि आप आओ मेरे साथ काम करो। विधायक का टिकटों को मिला? विधायक का टिकट भी इसमें मिला, मतलब फोन आया था जैसे लालू जी बोले कि जुड़ जाइए, या फिर आप आए थे तो पैरवी का भी टिकट में जो है सो कि हमारा ऐसा कुछ नहीं था, हम तो काम अपना करते रहते थे, और हम लोगों के जो नेता है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका सोच भी था कि जो क्षेत्र में काम किया होंगे, उन्होंने सर्वे कराने का काम किया था कि कौन प्रत्याशी बेहतर हो सकता है, और वहाँ माइनॉरिटी लड़ती रही है आरजेडी से, और हमको लगता है कि हमको तो अपना काम कर रहे थे, काम कर रहे थे, अचानक हम जो है सो अचानक हम पटना में एक जगह पर हम जो है सो कि खाना खा रहे थे, यही शाम का समय था, हमको फोन आया कि आप जो है से 10 नंबर आइए। अभी इतना बड़ा मकान मिल गया है, अकेले ही रहते हैं, परिवार भी रखते हैं? चूंकि हम बहुत कम रह पाते हैं, अच्छा, हम कम रह पाते हैं, विधानसभा भी चलती है तो हम शाम में चले जाते हैं मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, तो इसलिए जो है सो परिवार तो यहाँ नहीं रहता है, चूंकि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है लोगों का। टिकट के लिए तेजस्वी जी फ़ोन किए थे आपको कि आप नहीं, अंदर से फोन आया था कि आप 10 नंबर आ जाइए, और जब हम गए वहाँ जब बैठ के हम थोड़ा बात करते हैं क्योंकि आप दिन भर सदन में थे तो थके हुए हैं, थक जाते हैं कार्रवाई के दौरान, तो बैठ जाइए फिर बात करते हैं। तो टिकट सर कैसे मिला? टिकट वाला कहानी बहुत दिलचस्प होता है, सब लोग जानना चाहता है कि कोई कार्यकर्ता अगर दिल लगा के काम किए थे। हम कोरोना काल से लेकर के हम हजारों परिवार को मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाए थे, इलाके में कैंप लगा लगा करके कोरोना काल में भी काफ़ी काम किए थे, और जब भी किसी तरह के क्षेत्र में आपदा होती थी, कहीं आग लग गया, कुछ मामला हो गया, तो हम अपना जो है से निजी कोर से लोगों को जा करके मदद करते थे, लोगों के दुख में भागीदारी होते थे, कोई दुर्घटना से मौत हो गई तो प्रशासनिक पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर करके उसको जो है से मुआवजा दिलवाने का काम, तो इस सब तरह का काम। दूसरी बात है कि लोगों के द्वारा प्यार मोहब्बत मिलने लगा, लोग हमको शादी विवाह सुख श्राद्ध में हमको बुलाने लगे, हम हर जो भी लोग बोलते थे हम निश्चित तौर पर हर स्थिति में जो है से हम उनके यहाँ हाजिरी देने का काम करते थे, तो लोगों का प्यार हमको और स्नेह आशीर्वाद मिलने लगा था, तो हम कन्फर्म थे, हमको विश्वास था, और हमको जानकारी भी लगी कि हम लोगों के नेता तेजस्वी यादव जी जो है सो सर्वे करा रहे हैं, जो जनता जिसको पसंद करेगी उनको टिकट देगी, तो हम और उत्साहित हुए और कॉन्फिडेंस लेवल मेरा और बढ़ गया, चूँकि हम काम किए थे। और वही हुआ कि एक दिन हम पटना में ही थे, हमको फोन आया जब हम गए वहाँ 10 नंबर में, तो क्या कहते हैं तेजस्वी जी हमको सिम बोल दिया, फोन करके बुलाया करके टिकट दिया गया। जी जी, तो सर्वे वाला बात तो मुकेश यादव भी बोल रहे थे, आपके पार्टी से विधायक है, कि सर्वे कराया गया तो इससे फायदा हुआ जो जमीन पर काम करते थे उनको? हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, इस तरह का डिसीजन सब नहीं ले पाते हैं, ये डिसीजन तेजस्वी यादव जी ने लिया, ये बड़ी बात है, समझे, और जिसका फलाफल हुआ कि हम लोग लार्जेस्ट पार्टी बने बिहार में, और हमको लगता है कुंची की तेजस्वी जी ने की जो पसंद जो भी उम्मीदवार रहे हैं वो हमको लगता है कुंची की निश्चित तौर पर कामयाबी उनको मिला। उनको मिला पहली बार विधायक बने, उसके बाद मिनिस्टर भी बने, ये कहानी कहाँ से हुआ? देखिए, विधायक बने, लोगों की सेवा में लगे रहे, हमको तो लगा भी नहीं कि आज भी हम मिनिस्टर बन गए हैं, लेकिन हमको ये महसूस नहीं होता है कि हम मंत्री हैं। अभी अंदर से एक्सेप्ट नहीं किया आपने? नहीं, हम चूंकि हमें लोगों की समस्या के प्रति ज़्यादा चिंतित रहते हैं, लोगों का काम कैसे हो, हमारा वही शेड्यूल और वही व्यवहार और वही लाइफ स्टाइल है मेरा, काम करते रहना जो है सो, फिर कल जो है सो ये है, फिर हम शनिवार को निकल जाएंगे यहाँ से, रमजान का समय है, फास्टिंग तो हम छोड़ते नहीं है, फास्टिंग हम निश्चित तौर पर करते हैं जब से हमको अकल है, लेकिन इस फास्टिंग में ज़्यादा और काम हो जाता है, काम करने का, और जो है सो चूंकि खाने पीने का भी झंझट नहीं रहता है, घूमते रहिए, और लोगों के बीच में जाने से एक अच्छी एक नई ऊर्जा मिलती है, और लोगों का प्यार मिलता है, तो उससे अपने आप को आत्मशक्ति भी मजबूत होता है। परिवार में कितने लोग हैं आपके, कितने भाई हैं? हम 4 भाई हैं। आप बड़े हैं छोटे हैं? ना, हम मझले हैं। मझले हैं, और भाई लोग क्या करते हैं? एक हमारे बड़े भाई हैं जो फ्रूट के कारोबार करते हैं,
गांव में है? नहीं, शहर में करते हैं। अच्छा, और एक भाई टीचर हैं और एक बार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जब आप मुखिया वगैरह बने थे या फिर राजनीति में दिलचस्पी ले रहे थे 9 क्लास से, परिवार मजबूत था या कमजोर वर्ग से? नहीं, हम लोग तो काफ़ी बीकर सेक्शन से आते थे और बहुत सारी भी कठिनाई भी हम लोगों की होती थी। हम मुखिया भी रहे तो हम काफ़ी परेशान रहते थे क्योंकि हम किसी से कुछ लेते नहीं थे और नहीं लेते थे, जिसके कारण जो है सो कि मेंटेनेंस करने में, पद का मेंटेनेंस करने में हम ज़्यादा तनाव में रहते थे। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक? पढ़ाई लिखाई तो हमारा ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में जा करके हम राजनीति के चस्का में हम नहीं कर पाए, लेकिन ISC हम किए हुए हैं और ऐसे जो है सो हमें ITI से हम इलेक्ट्रीशियन का भी हम जो है सो लिए हुए हैं। इलेक्ट्रीशियन का काम कहीं किए कि नहीं किए जा करके? नहीं, वो तो करने का मौका नहीं मिला। राजनीति में लगे रहते थे? हाँ, इसी सामाजिक के क्षेत्र में लगे रहे। काम हम करते नहीं थे तो सदिया कैसे हो गया? बिना काम वाले से तो कोई शादी भी नहीं करता है। अब शादी अब हो गया, हो सकता है हमारे परिवार को ही देख के। शादी तो मेरा 98 में हुई थी। 98 में हो गया था? खुद से मतलब पसंद किया था या परिवार के लोग? ना, परिवार के लोग से, लोग घर के लोग जो बोला उसे कर लिया। तो मंत्री बनने के लिए, विधायक बनने के बाद बहुत रेस था, कई लोग पैर भी कहाँ कहाँ से करा रहे थे। आप बोले एकदम आसान, हमको पता नहीं चला कब बन गए। हाँ ठीक है, हम तो किसी को कहने भी नहीं गए थे और कहने की बात नहीं, उतने नेतृत्व तय करती है और नेतृत्व में हम लोग ऐसे भी भरोसा किए हुए थे और हमको तो लगा भी नहीं था कि हम पहले बार जीते हैं तो नेतृत्व हमको इतनी बड़ी जवाबदेही देगी। हम नेतृत्व के गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवा दिल की धड़कन, युवाओं की आन बान शान, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि एक वैसे समाज के लोगों को उन्होंने मंत्री बनाने का काम किया जो पहली बार बिहार में MLA हुआ था। पसमंदा समाज या फिर दुनिया समाज? दुनिया पसमंदा में दुनिया समाज को, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी तो हुई ही, साथ में समाज के लोगों को भी एक बहुत बड़ा विश्वास पैदा हुआ और लोगों की लोकतांत्रिक व्यवस्था जो हमारा संवैधानिक ढांचा है जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है इस देश को, यह प्रतिफल समझ में आया कि एक गरीब का बेटा भी, एक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है। ये हमको बनने से यह साबित हुआ। तो आप मंत्री जब बन गए उसके बाद तस्वीर यह था कि आप जहाँ जा रहे थे हजारों का भीड़ रहता था, लोग एकदम अभी भी आपका स्वागत करते हैं जहाँ भी पसमंदा का कुछ कार्यक्रम होता पहुँचते हैं तो? देखिए, पसमंदा ही नहीं, सभी वर्ग के लोग, चूंकि हमारा अपना व्यवहार इस तरह का रहता है। ये पसमंदा हम सब इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी और उनकी पार्टी जो अभी है वर्तमान में पसमंदा को प्रोजेक्ट करने की बात करती है, लेकिन यहाँ तो पसमंदा को तो मौका मिला पहली बार बिहार के अंदर में। देखिए, ये लोग जो बोलते हैं ना, ये लोग बोलते हुए करते नहीं है, ये लोग लुभावना बात, कानों को अच्छी लगने वाली बात, कैसे लोगों को गुमराह करके उसके वोट को ले लिया जाए, चाहे 2 करोड़ नौकरी दे दूंगा, आधे दाम पर डीजल दे दूंगा, पेट्रोल हो जाएगा तो भाइयों बहनों कैसे लगेगा, उसी तरीके से अभी पसमंदा की बात वो कर रहे हैं। हम तो वो पसमंदा है जो पहली बार बिहार में मंत्री बने हैं और जो बात का कोई तथ्य नहीं था, उसमें इनके ही नेता लोग लगातार हमसे इस्तीफा मांग रहे थे। तो मोदी जी पसमंदा की बात करते हैं और उनके नेता जो है पसमंदा के पीछे पड़े हुए हैं और हम एकमात्र पसमंदा मंत्री है बिहार में, तो ये सब लोगों का बात का कोई मतलब उतलब नहीं है और इससे कोई गुमराह उमराह भी होने वाला नहीं है। इनकी चलाकियों को, इनकी जुमलेबाजियों को बिहार ही नहीं देश की जनता समझ चुकी है। BJP आपके पीछे इतना पड़ी रहती है, जब देखिए तो कभी मंदिर में घुसने पर बवाल, तो कभी विधानसभा में इस्तीफे की मांग, आपकी वजह से 2 दिन वो लोग कार्रवाई छोड़ के बाहर निकल गए। देखिए, एक बार जान जाइए, हम जो है ना सभी धर्मों का आदर और विश्वास करते हैं। कल भी श्री श्री 108 शिव शक्ति महाजग, जिसमें 500 से 600 कन्या जल बोझी किए हमारे क्षेत्र में, वही कोठिया गांव में, जिस गांव का नौजवान का हत्या हो गई थी, उसी कोठिया गांव में हम गए हैं
कलश यात्रा में शामिल हुए हैं और हम लोग जितने भी श्रद्धालु थे उनको हमने प्रसाद अपने हाथों से वितरण करने का काम किया है और लोग हमको काफ़ी जो है सो सराहा है। हमें और एक सप्ताह पहले भटौना हमारा यहाँ है मरवन प्रखंड के अंतर्गत, वहाँ भी श्री श्री 108 लक्ष्मी महाजग का आयोजन था, हम वहाँ गए थे, लोगों ने काफ़ी प्यार हम किया, स्नेह दिया और लोगों ने जो है सो कि मंच पर ले जाकर हमको सम्मानित करने का काम किया और हमने लोगों को कुछ बात भी अपनी बोलने की बात किया। देखिए सर्वधर्म सम्मान, देखिए अल्लाह ईश्वर तेरे नाम है सबको सलमति दे भगवान, देखिए हर धर्म का नहीं उनको जो है सो कि वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, समझे, वो तुष्टिकरण की राजनीति में ही विश्वास रखते हैं, कामों में विश्वास नहीं रखते हैं, समझे। और मेरा मानना है कि जो एक सामाजिक और राजनीतिक जो कोई कार्य करता होगा उनके दिल में धर्म और जात पात कभी भी नहीं आ सकता है। गाँव में एक खूबसूरत तस्वीरें आती थी पहले, होली दशहरा दीपावली ईद मुहर्रम कुर्बानी सब लोग मिलकर, पता नहीं चलता किस जाति का त्यौहार है, सभी लोग उत्साह मनाते थे, लेकिन लग रहा है आपको कि तस्वीरें बदली हैं धीरे धीरे। नहीं ऐसा नहीं, हम तो पिछले साल जो है मृदंग बजाए हैं होली में। अच्छा मृदंग बजाए हैं, हम तो सब चीज में दुर्गा पूजा है, इस बार हमको लगता है कि 80 दुर्गा स्थान से ज्यादा हम जगहों पर जो है सो कि हमने घूमने का काम किया, छठी सतमी अठमी और जो बच जाता है नौमी, चारों दिन मेरा कार्यक्रम रहता है, हम सब लोगों से मिलते जुलते हैं और खूब हमको लोग प्यार और आशीर्वाद देते हैं। तो का माहौल पार्टियों तक सीमित है, तो चूंकि देखिए इनका जो काम कर ये जो चाहते हैं कि नफरत का माहौल पैदा किया जाए, धार्मिक के भेदभाव के आधार पर लोगों को बांटा जाए, तो उसका मनसा को हम सफल नहीं होने देते हैं। और सभी धर्मों का लोगों का जो विश्वास हमारे प्रति है और स्नेह और जो आशीर्वाद मिलता है, इससे जो है से बीजेपी घबरा गई है। अच्छा एक चीज़ है कि जब से दोबारा से डिप्टी सीएम बने मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लोकप्रियता इनकी थोड़ी बताई जा रही है कि घटते जा रही है, और कारण ये बताया जा रहा है कि इनको बनाना था अल्पसंख्यक समाज से डिप्टी सीएम, खुद बन गए, पिछले सरकार में दो डिप्टी सीएम थे इसमें अकेले ही बन गए, ये मानते हैं कि दो डिप्टी सीएम होता है एक अल्पसंख्यक समाज से भी होता तो और बेहतर रहता है। नहीं नहीं देखिए ये सब राजनीति परिस्थितियों का चीज़ होता है, ये परिस्थिति क्या कहता है, समझे। अब माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी अभी हैं ही और गठबंधन महागठबंधन है, 7 दलों का समावेश से निर्णय होता है, समझे। और हमको लगता है कि जब मौका मिलेगा, जनता उस तरह से आएगी, तो निश्चित तौर पर जो है से कि हमारे नेता के दिल में यह बात है और अल्पसंख्यक के प्रति तो हमको लगता है कि देश में अभी दूसरा कोई नेता नहीं है जो अल्पसंख्यक के बारे में बोले। अल्पसंख्यक के बारे में अगर मजबूती से इस देश में अगर सेक्युलरिज्म का अगर सबसे बड़ा प्रनेता है आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं और क्या कहते हैं कुंची की और तेजस्वी यादव जी है, जो मुखर होकर के हर परिस्थिति को सामना करते हुए और अल्पसंख्यक के जो है सो कि उनके फलाहल के लिए, उनके जो है सो भलाई के लिए, उनके विकास के लिए लड़ने का काम करते हैं। क्रिकेट वगैरह पर दिलचस्पी आपका ज्यादा देखा जाता है, कई वीडियो वायरल। क्रिकेट में तो हम जो है सो कि लगातार MCC क्रिकेट के हम चैंपियन रहे हैं। अच्छा। हम कैप्टन रहते थे, हमसे सीनियर लोग भी खेलते थे, हम नौजवान थे लेकिन कप्तानी हम ही करते थे और हम ऑलराउंडर थे, बॉलर बैटर बैट्समैन दोनों। तो ये जो कामयाबी का कहानी है शुरू से ही रहा है क्रिकेट खेल में भी। देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं, आप किसी क्षेत्र में और हम तो लोगों को खास करके अगर हम कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान वगैरह में जाते हैं जहाँ छात्र और छात्राएं हमको अगर मिलती है, अभी भी हम गए थे 44 छात्रा को ITI जो है महिला पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर के सभागार में, लोकोहमा एक कंपनी है जापानीज कंपनी है, 44 छात्रा को जो है सो कि हमने नियोजन पत्र देने का काम किया है। तो हम तो जहाँ जाते हैं तो हम लोगों को इतना ज़रूर कहते हैं, खास करके नौजवान पीढ़ी को और आपके माध्यम से भी हम संदेश देना चाहेंगे कि आप जिस क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप IAS IPS बनना चाहते हैं, चाहे नेता बनना चाहते हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हो, अगर आप एक कामगार भी हैं
तो सच्ची निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना काम को कीजिएगा, निश्चित तौर पर जो है से कि ईश्वर और अल्लाह आपको कामयाब बनाएंगे। एक समय एक वीडियो कुछ दिन पहले आया था कि आपके उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री गाना गाते हुए नजर आए थे, आप गाना उन्हें गाते कि नहीं? सुनते हैं, कोई गाना अगर गाते हो पुराना ही कुछ सुना दीजिए। चले उड़ी जा रे पंछी की अबे देश हुआ बेगाना, चले उड़ी जा रे पंछी। पंछी उड़ा रहा है, एक पंछी को छीन लिया गया उत्तर प्रदेश में, बहुत अजीब कहानी है। एक लड़का को मिल गया पंछी घायल खेत में, और सारस मिला था, आसिफ नाम था लड़का, उसका इलाज उलाज किया रखा, और बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार आई उसको लेकर के चली गई, गहरा दोस्ती हो गया था उन लोगों में। अच्छा, सरकार ने अखिलेश यादव ने इस पर कड़ी निंदा जताई कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि क्या भावना इंसान और जानवर में, पक्षी में, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और इस तरह का अगर किया गया तो हमको लगता है कुंची कि मानव के प्रति, जीव के प्रति एक अच्छा काम नहीं हुआ है। चलिए, तो हमारे साथ मंत्री साहब थे, लंबी बातचीत हुई है, जो भी प्रतिक्रिया आप लोग की है या फिर जो रह गया सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फेसबुक देख रहे वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।